जोहार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक फैसला आया था 2013 के आसपास में कि जमीन जिसकी खनिज भी उसका, और ये बहुत चर्चा का विषय था। लेकिन उस चर्चा को बहुत दिन हम लोग कैरी नहीं कर पाए। आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है और उससे हम आदिवासियों के लिए कोई रास्ता उसमें है भी या नहीं। आप देखेंगे कि दुनिया भर में आमतौर पर संप्रभु या संघीय या संघ सरकार के पास ही सभी खनिजों का स्वामित्व होता है। सबसे बड़ा अपवाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां भूमि मालिक भी पृथ्वी के नीचे के खनिजों के मालिक हैं। वहां भी संघीय सरकार के पास एक तिहाई भूमि का स्वामित्व है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से भू स्वामियों को बड़ी राहत मिल सकती है। वो यह कि शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी जमीन के नीचे दबी खनिज संपदा जमीन के मालिक की मिल्कियत है और उस पर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि देश में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि मिट्टी में दबी सामग्री या खनिज संपदा पर सरकार का मालिकाना हक है। केरल के कुछ भू स्वामियों की याचिका पर अदालत ने यह बात की, हालांकि उससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने इस मसले पर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस फैसले को वहां के कुछ जमीन मालिकों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीशों ने कहा कि हमें लगता है कि किसी भी कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जमीन के नीचे दबी सारी खनिज संपदा पर राज्य सरकार का अधिकार बताती हो। भूमिगत प्राकृतिक संसाधनों के उत्खनन पर नियंत्रण करने के विभिन्न कानूनों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि इन कानूनों में कहीं यह नहीं कहा गया है कि इन पर राज्य का मालिकाना हक है। न्यायालय ने यह दलील सिरे से खारिज कर दी कि जमीन के नीचे के संसाधनों पर कोई भी भूस्वामी अपना मालिकाना अधिकार नहीं जता सकता है, क्योंकि MMDR एक्ट 1957 की धारा 425 के मुताबिक वैध परमिट, लाइसेंस या खनन पट्टा के बगैर देश में कोई भी खनन नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त कानून किसी भी तरह से यह नहीं कहता कि खनिज संपदा पर राज्य का मालिकाना हक है, न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत किसी भी खान स्वामी से उसका मालिकाना हक छीना जा सकता है। अदालत ने यह जरूर कहा कि सरकार संप्रभुता के अधिकार के तहत शुल्क या कर वसूल कर सकती है, लेकिन उसे मालिकाना हक नहीं बता सकती है। मालिकाना हक दरअसल कई अधिकारों से मिलकर बना होता है। अगर किसी संपदा से होने वाले उत्पादन में किसी व्यक्ति की हिस्से दारी भर है, तो उस संपदा पर उस व्यक्ति का मालिकाना अधिकार कभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि न्यायालय ने सरकार को भूस्वामी द्वारा रॉयल्टी के भुगतान की देनदारी के मसले पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका फैसला बड़ा पीठ करेगा। अदालत ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भूस्वामियों द्वारा सरकार को रॉयल्टी भुगतान की देनदारी के बारे में हम कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस मसले को बड़े पीठ के पास भेजा गया है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 294 और 295 अनिवार्य रूप से कहते हैं कि राज्य उन सरकारों की संपत्तियों और संपदा के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने पिछली बार उन क्षेत्रों पर शासन किया था। यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले किनका शासन था, उनके साथ क्या एग्रीमेंट था। अब भारत का गठन भी तो ब्रिटिश राज और 500 से अधिक रियासतों द्वारा किया गया, और कानूनी स्थिति में भी बहुत भिन्नताएं हैं। जनरली राज्यों के पास सब सॉयल मिनरल्स होते हैं। उदाहरण के लिए गोवा में पुर्तगाली खनन संहिता 1906 के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खनिजों का स्वामित्व तो सरकार के पास था। नतीजन गोवा राज्य अब सब सॉयल मिनरल्स का मालिक है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि 2013 में लोढ़ा फैसले में स्पष्ट रूप से सामने आया था, या मालाबार क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की भूमि जियोमोम लैंड से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसके समक्ष उस विशेष मामले में भूमि के मालिक के पास खनिजों का स्वामित्व था, लेकिन नियम में खनिज का मालिक राज्य है। हालांकि कुछ जटिलताएं भी हैं। हमारे संविधान की 5वें अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खनन के लिए ग्राम सभाओं की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है, जो आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं या शर्तें लगा सकते हैं। हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि स्वशासित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खनन में राज्य सरकार और जिला परिषद के बीच समझौते के बाद जिला परिषदों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा भी प्रदान किया जाता है। और सबसे बड़ी जटिलता यह है कि खनन संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में है। इसका मतलब यह है कि मालिक चाहे कोई भी हो, नियंत्रण केंद्र के पास है। यह प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरें, नीलामी की शर्तें आदि निर्धारित करता है। हालांकि अनुच्छेद
371A नागालैंड की विधानसभा को यह तय करने का अधिकार देता है कि भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित केंद्रीय कानून नागालैंड राज्य पर लागू होगा या नहीं। इसमें MMDR एक्ट और अन्य खनन अधिनियम शामिल होंगे। दरअसल नागालैंड के CM ठीक उसी प्रावधान के तहत तेल ब्लॉकों की नीलामी का विरोध किए थे। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को और भी व्यापक अधिकार प्रदान करता है, शायद ये भी कारण था वहाँ से 370 हटाने का। तो खनन पट्टा धारक को खनिजों का स्वामित्व कब प्राप्त होता है, जब तीन शर्तें पूरी हो जाती है। पहला, वैध खनन पट्टा और अन्य सभी क्लियरेंस यानी कि मंजूरी उसके पास होना चाहिए। दूसरा, यह कि उसने जमीन से खनिज निकाल लिया हो, मतलब उत्खनन कर लिया हो, इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और तीसरा, यह कि खनिज की रॉयल्टी का भुगतान कर दिया हो। अब यह स्पष्ट रूप से खनन पट्टे के तहत रॉयल्टी है, अन्यथा जियोमोम लैंड के मालिक को मुआवजे के रूप में क्या मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह सवाल उठा कि क्या रॉयल्टी एक टैक्स है या खनिज के लिए कंपनसेशन है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार के लिए 9 न्यायाधीशों की पीठ का इंतजार है। यदि यह नियम है कि रॉयल्टी एक टैक्स है, तो मालिक को उसके खनिजों के लिए क्या मिलेगा? या बेतुका होगा कि राज्य खनन पट्टाधारियों को खनिज मुफ्त में क्यों देगा? रॉयल्टी खनिज परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण पूंजीगत प्राप्ति है, ना कि राजस्व। राजस्व का हक राज्य का है और रॉयल्टी जमीन मालिक का। ये सब उस बहस में आया है। इस बहस से यह तो स्पष्ट हो गया है कि निजी भूमि के खनिजों पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, टैक्स छोड़कर। जमीनी स्तर पर इसे समझने के लिए इसके इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो आधे अधूरे जानकारी से हमें नुकसान ही ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली यह मामला गोवा, दमन एंड दीव के क्षेत्र से आया, जहां पर 50 वर्षों का पुर्तगाली शासन था। वास्तव में देखा जाए तो ब्रिटिश शासन से पहले भारतीयों को कभी भी कानून के शासन या न्याय प्रणाली या कोर्ट कचहरी का अनुभव नहीं हुआ। ब्रिटिश भारत में ना तो नागरिकता थी और ना ही नागरिकों के पास कोई अधिकार था, विशेषकर भूमि का अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं। कुल मिलाकर तस्वीर यह उभर कर सामने आई कि वहाँ अराजकता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने शुरू में भारत प्रशासन किया था, ने भी वही प्रणाली अपनाई जो पहले के शासकों ने अपनाई थी। अंग्रेज मानते थे कि यह प्रणाली क्रूर थी, हालांकि उनके पास इसका कोई विकल्प नहीं था, और इसी से भारत में प्रशासन की कलेक्टर प्रणाली का जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद नए भारतीय शासकों की इस व्यवस्था को बदलने की कोई इच्छा नहीं रही और जनता, न्यायपालिका सभी इस व्यवस्था की आदि हो चुकी है। पुर्तगाली शासकों ने वास्तव में नागरिक अधिकार दिए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसी संपत्ति का मालिक होने और उसे अपनी संपत्ति के रूप में निपटाने का अधिकार। इसने विशेष रूप से संहिता के अनुच्छेद 465 और 466 के तहत सरकार की अनुमति के बिना खनिजों का पता लगाने के अधिकार की गारंटी दी थी, जिसमें कहा गया है कि केवल भूमि के मालिक को ही अपनी भूमि से खनिजों के दोहन की अनुमति देने का अधिकार है। और अनुच्छेद 467 के तहत उन अधिकारों के रेगुलेशन आदि के लिए सरकार को कानून बनाने की मान्यता देता है। पुर्तगाली सरकार ने खनिजों की खोज और अन्वेषण को विनियमित करने के लिए पुर्तगीज कॉलोनियल माइनिंग लॉ डिक्री दिनांक 20/9/1906 या संक्षेप में पुर्तगाली खनन संहिता 1906 पारित की थी। इसके अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खनिजों का स्वामित्व सरकार के पास था, जिसमें मैग्नीशियम और लौह अयस्क और अन्य खनिज शामिल हैं। सरकार की अनुमति से दोहन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि वैसे खनिज या लघु खनिज जो अनुच्छेद 2 में शामिल नहीं हैं, को जमीन मालिक स्वतंत्र रूप से खनन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में उल्लेखित खनिजों यानी कि लौह अयस्क और मैंगनीज आदि का यदि दोहन या खनन किया जाता है, तो टैक्स लगाया जाएगा और पुर्तगाली सरकार द्वारा खनिजों पर कभी भी किसी अधिकार का दावा नहीं किया जाएगा। पुर्तगालियों ने फ्रांसीसी भूविज्ञानिकों की मदद से खनिजों और उस क्षेत्र की पहचान और सीमांकन करके रेगुलेटरी मैकेनिज्म विकसित किया। पुर्तगालियों ने सिर्फ खनन पर निकाले गए खनिज पर टैक्स लिया। विशेषज्ञों की राय में राज्य और केंद्र सरकारों ने इस खनन संहिता को हमेशा गलत समझा और गलत व्याख्या किया कि पुर्तगालियों ने उस कानून से भूमि मालिकों के खनिज अधिकारों को समाप्त कर दिया था। दुर्भाग्य से गोवावासी भी चुपचाप इसे स्वीकार कर लिए थे, जिसका फायदा सरकार और खदान मालिकों ने उठाया और खनिजों के मालिक भूस्वामियों को मुआवजा के रूप में मिलने वाली रॉयल्टी से वंचित होना पड़ा। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसे शॉर्ट में MMDR एक्ट 1957 भी कहा जाता है, का विस्तार गोवा में 1/10/1963 को हुआ। MMDR एक्ट की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को प्रमुख खनिजों के संबंध में
तो धारा 15 के तहत राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार खनिजों के दोहन को नियंत्रित करती है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज देने का काम मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 के तहत करती है। अध्याय 3 और 4 में खनिज सरकार में निहित है। अध्याय 5 में खनिज व्यक्ति में निहित होता है और अध्याय 6 में खनिज आंशिक रूप से सरकार में और आंशिक रूप से निजी व्यक्तियों में निहित होता है। इससे पता चलता है कि निजी भूमि में खनिज भंडार उसके मालिकों का है और वह लीज होल्डरों यानी कि रियायतकर्ताओं से रॉयल्टी का हकदार है, जिसे उसकी भूमि से खनिजों का दोहन करने की अनुमति है और संप्रभु शक्ति के रूप में राज्य को खनिजों की निकाली गई मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन किसी भी स्थिति में खनिजों की कीमत भूमि मालिक को चुकानी होगी क्योंकि वह अपनी भूमि में खनिजों का मालिक है। हालांकि आज जमीन मालिकों को कुछ नहीं मिलता है और सरकार और खदान मालिक सब कुछ छीन लेते हैं। मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 और पुर्तगीज कॉलोनियल माइनिंग लॉ डिग्री दोनों खनन भंडार की खोज के लिए दी गई रियायतों और निकाले गए खनिजों पर कर लगाने की बात करते हैं, संप्रभु शक्ति के रूप में, न कि खनन किए गए खनिजों के मालिक के रूप में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक खनिजों को निकाला नहीं जाता तब तक सरकार के पास उस पर टैक्स लगाने का कोई शक्ति नहीं होती है और एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण के बाद ही वे खनिज कहलाते हैं और सरकार को उन पर टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है, एक संप्रभु शक्ति के रूप में, दूसरे रूप में नहीं। अतः केंद्र सरकार को निजी भूस्वामियों से दोहन किए गए खनिज पर रॉयल्टी वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। रॉयल्टी वसूलने का अधिकार भू मालिक का है, यानी सरकार संप्रभु शक्ति के रूप में टैक्स लगा सकती है और वसूल कर सकती है, लेकिन रॉयल्टी जमीन मालिक का है। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ के फैसले केशोराम इंडस्ट्रीज बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में स्पष्ट किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले त्रिसामिया जैकब एंड अदर्स वर्सेस जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी एंड अदर्स 1961 में यह माना गया है कि भूमिधारक के पास उसकी संपत्ति वाली भूमि पर खनिजों या सबसोइल का कानूनी अधिकार और स्वामित्व है और वह खनन अधिकार देने या उसे रोकने के लिए कानूनी रूप से हकदार है। यह माना गया कि ना तो इंग्लैंड में और ना ही इस देश में ब्रिटिश शासन के दौरान कानून का ऐसा कोई स्थापित प्रस्ताव था कि सभी खनिज ताज के हैं, यानी कि महारानी उस समय। कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह घोषित करता हो कि सभी खनिज संपदा का भूमिगत अधिकार राज्य में निहित है। अपनी जमीन के खनिज संपदा का स्वामित्व आमतौर पर भूमि के स्वामित्व के अनुरूप होना चाहिए, जब तक कि भूमि के मालिक को किसी वैध प्रक्रिया द्वारा इससे वंचित न किया गया हो। उपरोक्त निर्णय की पृष्ठभूमि पर यह बहुत स्पष्ट है कि पुर्तगीज कॉलोनियल माइनिंग लॉ डिग्री भूमिधारक मालिकों को उनके खनिज अधिकारों से वंचित करने वाली डिग्री नहीं है। हालांकि गोवा के लोगों को यह गलत तरीके से समझाया गया था कि उनकी भूमि के नीचे का खनिज सरकार का है। वास्तव में निजी भूस्वामियों की भूमि से खोजे गए खनिज उनके हैं और वे उस संबंध में रॉयल्टी के हकदार हैं। हालांकि ये भूमि मालिक उन्हें प्राप्त होने वाले सरफेस रेंट से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने खदान मालिकों द्वारा दोहन किए गए खनिजों पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, क्योंकि जानकारी नहीं थी, जो मूलतः रॉयल्टी थी जिसे वे सरफेस रेंट के रूप में ले रहे थे, और जहां सरकार की भूमि है सरकार को रॉयल्टी का अधिकार होगा। पुर्तगाली डिग्री के तहत मिनरल कंसेशन को समाप्त करने और उसे पट्टों में परिवर्तित करने का कानून झूठे बहाने पर पारित किया गया था कि पुर्तगाली सरकार ने भूमि मालिकों के खनिज अधिकारों को समाप्त कर दिया था और इसीलिए उत्तराधिकारी होने के नाते भारत सरकार को भी इसका अधिकार है। यह कानून हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती का विषय था, वैसे ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी था। हालांकि इसका परिणाम ज्ञात नहीं है। पुर्तगाली सरकार ने खनन शोषण को विनियमित करने और खनिज के दोहन पर टैक्स लगाने की डिक्री लागू की थी क्योंकि टैक्सेशन संप्रभु कार्य है। हालांकि पुर्तगालियों ने भूमि और खनिजों पर भूमि मालिकों के अधिकार को कभी समाप्त नहीं किया था। केशोराम इंडस्ट्री मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि पर प्रत्यक्ष टैक्स और भूमि की उपज यानी कि प्रोड्यूस ऑफ लैंड, चाहे सतह पर हो या सतह के नीचे पर, टैक्स के बीच अंतर किया है। उसी प्रकार पुर्तगाली सरकार द्वारा किए जाने वाले टैक्स कलेक्शन भारत सरकार को रॉयल्टी कलेक्शन का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि टैक्स और रॉयल्टी दोनों अलग है। टैक्स सरकार लगा सकती है और रॉयल्टी जमीन मालिक का हक है। पुर्तगाली नागरिक संहिता स्पष्ट रूप से भूमि मालिकों की भूमि से खनिज के दोहन या निष्कासन के लिए पट्टा देने का अधिकार देती है और मिनरल कंसेशन खनिजों पर टैक्स कलेक्शन के लिए केवल रेगुलेटरी मैकेनिज्म हुआ करता था।
गोवा में जमीन मालिकों द्वारा यह आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया गया था कि सरकार को मिनरल कंसेशन को रेगुलेट करने का अधिकार है, खनन पट्टाधारियों को भूमि से खनिजों का दोहन यानी कि निकालने का अधिकार है और मालिकों को खनिजों पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनको समझ था। राज्य के उच्च न्यायालय ने केवल सरकार को खुश करने के लिए भूमि मालिकों को अपनी भूमि में खनिजों के निष्कर्षण के लिए पट्टा देने के अधिकार को कमजोर करते हुए कई गलत निर्णय दिए। उच्च न्यायालय द्वारा इस कानून की गलत व्याख्या करने से सरकार को गोवा राज्य में कुशासन और कुप्रबंधन को कानूनी जामा पहनाने में सहूलियत हुई। हाल ही में वर्ष 2005 में गोवा राज्य ने 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा लघु खनिज रियायत नियम 1985 के अध्याय 3 को हटा दिया, जहां अध्याय 3 के तहत निजी संपत्ति में खदान पट्टा देने का अधिकार हटा दिया गया था। यह संशोधन इस बहाने से किया गया था कि निजी संपत्ति में बेसोल्ट, लेटराइट पत्थर, यहाँ तक कि मेटी मठ जैसे गौन खनिज राज्य सरकार के हैं, जबकि पुर्तगाली समय से 2005 तक भूस्वामी ही उसके मालिक पाए गए, जबकि खनिज की कीमत लेकर खननकर्ताओं को पट्टे सरकार दे रही थी। इस संशोधन से निजी मालिकों को अपने भूमि में गौण खनिजों का पट्टा देने का अधिकार समाप्त हो गया। इस संशोधन को रिट याचिका संख्या 158/2009 के माध्यम से चुनौती दी गई और डिवीजन बेंच ने आसानी से, चालाकी से और अवैध रूप से माना कि पुर्तगाली औपनिवेशिक खनन डिक्री द्वारा खनिजों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ इस तथ्य को छिपाया गया कि उक्त डिक्री का अनुच्छेद 3 भू मालिकों को सरकार की अनुमति के बिना बेसोल्ट और अन्य निर्माण सामग्री का दोहन करने की खुली छूट देता है, भले ही यह माना जाए कि प्रमुख खनिज के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने हमेशा सरकार की इलीगलिटी को बचाया है। 1985 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ को गोवा एक्सटेंड किया गया था। इससे पहले जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट ने जमींदार के अपनी भूमि से लघु खनिज निकालने के अधिकार को बरकरार रखा था। पहले के फैसलों पर गौर किए बिना और उससे छुटकारा पाए बिना न्यायिक परिप्रेक्ष्य में अचानक बदलाव न केवल गलत है बल्कि उक्त विषय पर अराजकता फैलाने की स्थिति कही गई। सरकार के पक्ष में हमेशा यह धारणा रही है कि सरकार जो भी करती है वह सही है, हालांकि जब इलीगलिटी स्थापित हो जाती है तो उच्च न्यायालय कानून को रद्द करने से बचता है, जिससे राज्य सरकार को लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने में अधिक मदद मिलती है। यह हमें महान यूनानी दार्शनिक हरक्यूलस की याद दिलाता है कि कानून उन लोगों की मदद करता है जो सत्ता पर हैं। आज गोवा सरकार यह मानकर गौण खनिजों पर अवैध रूप से रॉयल्टी वसूल रही है कि राज्य निजी भूमि के नीचे की हर चीज़ का मालिक है और निजी संपत्ति से गौण खनिजों के दोहन के लिए भूमि मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गोवा के लोग हमेशा अपने अधिकार और स्वतंत्रता को लेकर सोते रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी राज्य सरकार के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि लोगों के पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, जबकि पुर्तगाली कानून के तहत संपत्ति का अधिकार की गारंटी दी गई थी। तो ये रहा जिसकी जमीन खनिज उसकी फैसले की पूरी जानकारी। अब इसे कई रूपों में देश भर में आदिवासी इलाकों में चर्चा होता रहा है। मैं एक उदाहरण यहाँ आपको दिखाता जा रहा हूँ, वह यह कि माइंस मिनरल एंड पीपल यानी कि MMP की छत्तीसगढ़ इकाई के कार्यकारी सदस्य की संगठन जन चेतना मंच राज्य के कोयला क्षेत्रों में हर वर्ष 2 अक्टूबर को कोयला सत्याग्रह करती है। अब यह क्या माजरा है, आइए बताते हैं। जिस तरह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करके नमक का कानून तोड़कर नमक को सामुदायिक संपत्ति घोषित किया, उसी की तर्ज पर कोयला भी चूंकि प्राकृतिक संपत्ति है और उस पर समुदाय का हक जताने के लिए पिछले दशक से जन चेतना मंच ने कोयला सत्याग्रह शुरू किया। इसमें ये लोग अपनी ज़मीन के नीचे दबे कोयले को 2 अक्टूबर को खुद खनन करते हैं और टोकरियों में भरकर सभा स्थल में लाकर कोयला कानून तोड़ते हैं और जमीन जिसकी, खनिज उसका और समता जजमेंट जैसे फैसलों को साथ में रखते हुए कोयला पर समुदाय के हक को प्रदर्शित करते हैं। यह आयोजन आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसका सार यही है कि हमें भी गोवा वासियों की तरह अपने इतिहास में लागू कानूनों को ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और यदि उसमें हमारे हक निहित थे तो उसे कैसे समाप्त किया गया या नहीं, उस पर माननीय अदालतों की शरण लेनी चाहिए। दूसरा, कानून और माननीय न्यायालयों ने जो भी निर्णय आदिवासियों और समुदायों के लिए लिया है उस पर सरकारें अक्सर शिथिल रवैया ही अपनाती है, तो कोयला सत्याग्रह की भांति देश भर में लोहा सत्याग्रह, मैंगनीज सत्याग्रह, बालू सत्याग्रह, वन अधिनियम के विरुद्ध जंगल में आदिवासी अधिकार के लिए जंगल सत्याग्रह आदि से अपने हक और अधिकारों के लिए लामबंद होना चाहिए।
ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह प्रकृति अच्छा भविष्य सुनिश्चित कर सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।